हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू सर, आपका अपना चैनल प्ररॉक सीबीएसईबी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, तो आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में चार टॉपिक पढ़ना था, जिसमें आपका तीन टॉपिक क्लियर हो चुका था और चौथा जो टॉपिक था वो था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो आज हम आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं टॉपिक चार, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो देखिए, मैंने हेडिंग लगा रखा हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, जिसका नाम है सर्वसमीकरण, यानी जितने भी समीकरण त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला आते हैं, वो सारे फॉर्मूला को आज हम जानेंगे, सीखेंगे और प्रूव डेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न को हम बनाएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल के जरिए इसका नामकरण करेंगे। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ और सी हुआ, और ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? और ये आपका थीटा होता है, राइट? आपने पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में जाने, फिर आपने रेशियो में जाना कि कैसे क्या होता है, वो सारे चीज़ों को, जैसे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? तो यही जानेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। क्लियर? ए सी को हमने आपको रेशियो में क्या पढ़ाया था कि ए सी को एच बोला जाता है, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, और थीटा की सामने की भुजा को लंब, और लंब को पी से डिनोट किया जाता है, और बचा सो क्या होता है, आपका आधार होता है। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं, तो एच यानी एच का स्क्वायर, ए बी को क्या लिख सकते हैं, पी यानी पी का स्क्वायर, प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी यानी बी का स्क्वायर। क्लियर? अब दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग लगा देंगे, क्लियर? तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्लियर? तो क्या होगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, तो 1 बराबर आ पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो पी बाई एच साइन थीटा आ स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो बी बाई एच कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? इसलिए कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू 1, या क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। क्लियर? अगर साइन थीटा निकालना हो तब क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिएगा, यहां जब आप साइन को ले जाएंगे उधर तो क्या होगा, साइन ले जाएंगे तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? जब कॉस थीटा यहां रहेगा, केवल कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला को याद रखना है। क्लियर? ये हुआ,
अब इसी प्रकार चलिए और सारे फॉर्मूला को देखेंगे। अब देखिए एच स्क्वायर से भाग लगाए थे, फिर यहां क्या करेंगे कि अब हम इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर जो था वो रहेगा और पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्लियर। अब एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच बाई पी क्या होता है तो कॉसिक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर। बराबर पी बाई पी तो क्या हो जाएगा वन कट के, और बी बाई पी क्या होता है तो कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या क्या हो सकता है फिर आपका हो सकता है कि वन वन बराबर ध्यान दीजिएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो सकता है। फिर क्या होगा आपका वो ध्यान दीजिए, अगर माइनस वन ले लेंगे वो वन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा प्लस में है कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर आपको केवल कॉस थीटा निकालना हो, कॉसिक थीटा निकालना हो तो क्या होगा कॉसिक थीटा बराबर रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस प्रकार निकालेंगे बाबू सारे चीजों को, सारे फॉर्मूला को। और देखिए और क्या होगा, यहां से बहुत सारे फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला को। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या देखे थे कि कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आपको क्या निकालना हो कॉट थीटा तो क्या होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कोसिक थीटा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन का रूट। क्लियर। ये सारे फॉर्मूला को हम यूज करेंगे बारी बारी से, तो ध्यान में रखिएगा हमेशा ये सारे के सारे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, वो क्या होगा। अब हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एच बाई बी क्या होता है सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा पी बाई बी टैन थीटा यानी टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई बी स्क्वायर, तो कटा तो वन हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्लियर। अगर आपको सेक थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अगर आपको सेक थीटा केवल टेन थीटा निकालना हो तो क्या होगा टेन थीटा बराबर सेक, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का रूट। क्लियर। और क्या होगा देखिएगा, और बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बराबर ध्यान दीजिएगा ये सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये बराबर वन, यानी ये आपका क्या हुआ, वो टेन थीटा इधर आ गया तो माइनस में यानी वन। फिर क्या होगा, अगर ये वन इधर आ जाता है यानी माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा उधर गया था, क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा, यानी ऑल ओवर कितने फॉर्मूला पढ़े आप, लगभग 20 के 20 से ऊपर हुआ, 20-25 के पास फॉर्मूला हो चुका है आपके पास। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण दो चार फॉर्मूला है उसे याद कीजिए, वो होगा आपका, आपको जो मैं रेशियो में यानी रेशियो में पढ़ाया था, तो वो क्या होगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। अगर यहां से आपको साइन थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वन बाई कोसेक थीटा। फिर दूसरा होता है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। यहां से अगर कोस निकालना हो तो वन बाई सेक, अगर सेक निकालना हो तो वन बाई कोस। क्लियर? नेक्स्ट जो होता है वो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। अब यहां से जब आपको टेन निकालना होगा तो वन बाई कॉट होगा, अगर कॉट निकालना होगा तो क्या होगा, वन बाई टेन होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाला फॉर्मूला ये है आपका कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर आपका कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा वो फाई नहीं है, उसको वो थीटा होगा, ये थीटा है और ये भी थीटा है। क्लियर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन के टाइप को समझते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं उस बात को। अगर आपको दे दे क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर ये आपका एक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जीरो। क्लियर? तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो आइए सबसे पहले ये आपका हुआ LHS और ये हुआ आपका RHS, यानी इक्वल के इधर जो भी रहता है लेफ्ट में वो LHS कहा जाता है, और इक्वल के उधर जो रहता है उसे RHS कहा जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका हल, हल लिखने के बाद किससे चलेंगे, तो LHS से। LHS से क्या दिया है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। अब देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या, कि साइन स्क्वायर हमें प्रूव क्या करना है, जीरो करना है, तो कैसे प्रूव होगा, यही ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये क्या हम जानते हैं, ये फॉर्मूला अभी पढ़ाते, अभी जस्ट जानते हैं। तो अगर इस वन के बदले ये रख दे तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। तो क्या रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये माइनस में है, और प्लस माइनस क्या होता है, जीरो। ये इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी क्या आ गया आपका, जीरो। फिर इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHS।
इसी तरह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्लियर। अब चलिए आपको जो क्वेश्चन दिए थे किस में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, यानी टाइप वाइज क्वेश्चन जो देखे थे उसमें तीन टाइप थे। तो मान लीजिए पहला टाइप ये हो सकता है, मे बी कोई भी रेशियो यानी कोई भी निष्पत्ति दे सकता है। तो दूसरे टाइप को समझिएगा, दूसरा टाइप आपका जो था वो रूट से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था वो क्या था, तो रूट से रिलेटेड था। क्या था, वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर। यहां हमेशा इस टाइप के प्रश्न को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या, तो जो भी रूट वाले प्रश्न को देखिएगा उसके हर से यानी अंश और हर होता है, अंश ये होता है और हर ये होता है, तो हर के चिन्ह को बदल कर उससे गुणा कर दीजिएगा इस टाइप के प्रश्न में। अगर दूसरा होगा तो रेशियो चेंज भी किया जाता है, जैसे साइन कॉस होगा, लेकिन मे भी अभी तक इसी टाइप के प्रश्न देखा गया है, या तो यहाँ कॉस होगा या नहीं तो साइन होगा, ये दो प्रश्न अभी तक एग्जाम में देखे हैं। क्लियर। तो इसके हर से हर के चिन्ह को पलट कर परिमेयकरण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले ये आपका आरएचएस और एलएचएस, तो लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद क्या होगा कि किससे चल रहे हैं हम, तो एलएचएस से, एलएचएस से चल रहे हैं तो हमें आरएचएस प्रूव करना है। क्लियर। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव यही करेंगे कि ये आपको ये दिया क्या है, तो वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। क्लियर। तो इसका परिमेयकरण मैंने बोला था कि परिमेयकरण कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो इसको परिमेयकरण कीजिए चिन्ह पलट के, ये वन प्लस साइन थीटा है तो परिमेयकरण किससे कर देना, वन माइनस साइन थीटा से चिन्ह बदल कर, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा आगे देखिएगा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा यानी वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी एक और एक मिलकर कितना हुआ, दो, तो दोनों का यानी एक का स्क्वायर कर दें तो हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या हुआ, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस, ध्यान दीजिएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि वन का स्क्वायर कीजिएगा तो वन ही रहेगा, इसलिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, ये क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन होल स्क्वायर यानी वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, वन माइनस साइन थीटा दो गो है स्क्वायर है तो एक निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। क्लियर। फिर नीचे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा दो गो है तो एक गो निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखिए वन माइनस साइन थीटा बाई वन कोस थीटा बाई कोस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, अलग अलग दोनों के नीचे आपको कोस चला जाएगा। जैसे ये हो सकता है, देखिएगा कि वन बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए आ क्या गया कि वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो सीक थीटा,
और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो आर एच एस। ये क्या हुआ प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर तो ध्यान दीजिए यही ना प्रश्न था, ये आपका प्रश्न था रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एलएचएस से चले, एलएचएस से चलने के बाद हम बोले थे कि हर के चिन्ह को बदल कर उससे परिमेयकरण कर दिया जाता है, तो मैंने चिन्ह बदल कर परिमेयकरण किया, जो आया वो देखिए यहाँ आ गया साइन वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कर दिए। क्लियर अब देखिए ये दो गो था तो एक बाहर आया रूट से, फिर आपका कॉस स्क्वायर थीटा था तो एक आया बाहर यहाँ से, और फिर आपका क्या हो गया वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको सेपरेशन कर दिए यानी वन के नीचे चला गया आपका कॉस और फिर साइन के नीचे चला गया कॉस। अब ये वन बाई कॉस सेक थीटा होता है और माइनस साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है, और यही क्या है आपका आर एच एस था, तो प्रूव हो गया। इसी प्रकार आप प्रूव करेंगे। अब आइए इस पूरे फॉर्मूला को यानी 30-32 जो फॉर्मूला देखें उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से किस तरह याद रखेंगे। अगर 4 से 5 फॉर्मूला याद रखते हैं तो आसानी से सारे फॉर्मूला को प्रूव कर लीजिएगा। तो आइए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए उस ट्रिक को। आपने सर्वसमिका पढ़ा, सर्वसमिका इसमें आपने क्या पढ़ा, पहला फॉर्मूला पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। क्लियर फिर आपने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा आपका आपने पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर फिर आपने तीसरा क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्लियर फिर आपने क्या पढ़ा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, फिर आपने क्या पढ़ा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, फिर आपने पढ़ा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। ये तीन और ये तीन 6 हुआ, और 2 फॉर्मूला और पढ़े थे वो क्या था, तो टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो पूरे के पूरे आपने 30 फॉर्मूला पढ़ा, 30 से 32 फॉर्मूला पढ़ा, उसमें आपको कितने याद रखने हैं 3 और 3 6 और 2 8 8 के माध्यम से 32 फॉर्मूला निकाला जा सकता है, 30 फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो केवल और केवल आप 8 याद नहीं रख सकते, अगर 8 नहीं याद रख सकते तो टेबल कैसे याद रखिएगा, टेबल में कितना पढ़ना है आपको 6 और 5 6 30 यानी 30 का वैल्यू कैसे याद रखिएगा, उसमें 30 को हमने 5 में इंक्लूड किया कि 5 को याद रखते हैं तो आसानी से 30 को याद किया जा सकता है, तो इसमें 8 को याद रखते हैं तो 32 क्यों नहीं याद होगा, तो इस 8 को याद रखिए और पूरे सर्वसमिका को आसानी से बनाइएगा। क्लियर और बहुत सारे प्रश्न को लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, इसी के साथ धन्यवाद।